क्लास गुड मॉर्निंग, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने आपको कहा है कि 4-5 क्वेश्चन रोज आप विभिन्न स्रोतों से खोजिए, उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर वो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको मार्क कर लीजिए। अगर हमसे जुड़ने का प्रयास हो और जुड़ करके पूछ पाए तो पूछ लीजिए, और नहीं पूछ पा रहे तो उसको मार्क करके रखिए। जितना लगा पाते हैं उतना लगा करके रखिए, और जब आइए हमारी आपकी मुलाकात होगी हम आपको अतिरिक्त समय दे करके उन प्रश्नों को हल कर देंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, लेकिन आप कलेक्शन आप क्वेश्चन करिए, नंबर आप क्वेश्चन मिनिमम 5 क्वेश्चन रोज कलेक्ट करिए, अभ्यास करिए। एक आध घंटे गणित का हिस्सा जो है, 1 घंटे वो समय दीजिए गणित को। आपके पास हम विषय हैं हम भी मान रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप 1 घंटे को कम से कम गणित के लिए रोज़ निकालिए। 1 घंटे आप गणित रोज पढ़ेंगे तो आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता, आप कम से कम 90 नंबर पाएंगे, इससे कम नहीं पाएंगे। लेकिन संडे हो या मंडे, आपको पर डे 1 घंटे गणित पढ़ना है, आपको 5 सवाल रोज खोजना है, लगाना है, कंटेंट को पढ़ना है। मैं ज़्यादातर आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, सवाल लगाने के विषय में पढ़ा रहा हूँ, परिभाषाएँ बता रहा हूँ और फिर उसके एक सैंपल बता रहा हूँ कि आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। उस आधार पर आप विभिन्न प्रश्नों को हल करिए, हल करने का प्रयास करिए। कुछ स्टेप लिखिए, जहाँ दिक्कत आ रही है, जहाँ कठिनाई आ रही है, आपस में अगर चर्चा कर पाइए करिए, नहीं तो हमसे फिर बाद में पूछिए। आइए एक प्रश्न ये देखिए, फाइंड द वैल्यू आपके इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू आपके इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। यानी x माइनस वन एक उसका गुणनखंड है, एक उसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालिए। तो इस सवाल को कैसे देखिए, स्टेप आप सीखिए। लेट px इक्वल टू 4x³ + 3x² - 4x + a। अब कहेंगे सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, x माइनस वन को जीरो करके एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें रख देंगे, x = 1। रिमाइंडर p₁ = 0, तो p₁ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हम लिखते हैं पहले 4 × 1³ + 3 × 1² - 4 × 1 + a। p₁ हमारा 0 है क्योंकि उसका फैक्टर है, फैक्टर है तो वो 0 है, रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो हमने क्या बताना पड़ेगा, यही समझना है आपको, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया k, 4 से 4 कैंसिल हो गया, k + 3 = 0, सो k = -3। तो k की वैल्यू क्या है, -3 है, दैट्स व्हाई x माइनस वन इज ए फैक्टर। तो ये चीजें हैं, आइए आप सीखिए। आगे आज आपको हम बताएंगे कि स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करें और कैसे फैक्टराइज करेंगे, आइए सीखिए। आइए बच्चों देखिए, हमारे पास एक पॉलीनोमियल है जो इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके कैसे हम जो है फैक्टराइज करेंगे। देखिए, स्प्लिट करने का उद्देश्य यह है कि यहाँ 3 है, अगर स्प्लिट कर देंगे तो 4 हो जाए, और 4 हो जाए तो 2-2 का जोड़ा बन रहा है, और 2-2 के जोड़े में हम कामन कर लेंगे, और फिर 2 टर्म बन जाएगा, 2 टर्म में जो कामन होगा उसे कामन कर लेंगे, और इस तरह से जो आएगा वो फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, गुणनखंड के फॉर्म में आएगा। हमें इसे गुणा के खंड के फॉर्म में लिखना है। गुणा के खंड के फॉर्म में लिखने के लिए बीच वाले टर्म को तोड़ना है, जो अकेला है उसको 2 भाग कर देना है, 2 भाग में करने की स्प्लिट करने
नहीं तोड़ना, तो दो भाग में करने के दो शर्तें, दो केस, उसको आप ध्यान रखिए। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, दो शर्तें। अगर ये जो है कांस्टेंट टर्म सी है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, ए और सी का हम गुणा करते हैं, ये देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अगर गुणनफल हमारा प्लस में आया तो हम बीच वाले टर्म के ऐसे दो खंड करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर ए और सी का गुणनफल प्लस में आया, यानी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्या है प्लस है, प्लस में आया, तो हम उस गुणनफल का ऐसा दो खंड करेंगे जिसका जोड़ बीच वाला टर्म आए, ऐसे दो खंड करेंगे जिसका जोड़ बीच वाला टर्म आए, और अगर माइनस आए तो उसके ऐसे दो खंड करेंगे जिसका डिफरेंस बीच वाला आए। इस बात को ध्यान रखना है। हम आइए दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, और दूसरा है यहाँ प्लस सिक्स कर लेते हैं, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस, देखिए कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ प्लस सिक्स है वहाँ माइनस सिक्स है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इनके दो अलग अलग फैक्टर बनेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, वन का हम मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स करेंगे तो सिक्स आएगा, सिक्स के दो खंड करेंगे जिनका जोड़ बीच वाला आएगा, तो सिक्स के दो खंड कौन हुए, इनका गुणनफल हुआ सिक्स। देखिए आपको सिखा रहे हैं, टू फैक्टर जो फेवरेबल फैक्टर है वो टू, क्योंकि यहां प्लस, अब हम इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए अगला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। अब ये तीन टर्म से चार टर्म हो गया, स्प्लिट करने का उद्देश्य यही है, तीन से चार हो जाए, जोड़ा बन जाए, कॉमन हो जाए, फैक्टर हो जाए। देखिए अगला स्टेप इसमें होगा, ये आपको समझने के लिए लिखा है, ये आपके सवाल का पार्ट नहीं है, ये आपको समझना है। देखिए इधर तो ये दो दो में कॉमन करेंगे तो पहले दो में और दूसरे दो में, पहले दो में एक्स कॉमन है तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा प्लस और यहाँ बचा करने का मतलब पास। अगला स्टेप है प्लस, इन दोनों में टू कॉमन है, टू हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा जाए और यहाँ बचा टू थ्री जल्दी। अब देखिए यहाँ भी एक्स प्लस थ्री है, यहाँ भी एक्स प्लस थ्री है, अब ये दो टर्म माना जाता है, यहाँ इन दोनों टर्म में एक्स प्लस थ्री कॉमन हो जाएगा और एक्स प्लस थ्री हमारा बाहर आ गया, और जो बचा वो लिखेंगे, यहाँ एक्स बचा और यहाँ टू बचा। इस तरह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, पॉलीनोमियल था, ये फैक्टराइज हो गया और उसके दो फैक्टर हो गए, एक एक्स प्लस थ्री एक एक्स प्लस टू। यही सेम देखिए वहाँ माइनस का अंतर आने पर देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन माइनस सिक्स हुआ। अब हमको दो खंड करना है तो टू फैक्टर हमारे जो है माइनस, तो हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे, एक जो है माइनस थ्री होगा, एक टू होगा, या एक एक थ्री होगा, एक माइनस टू होगा। देखिए अब आप लोग ये करते हो, जब माइनस थ्री और टू लेते हो तो ये फाइव कहाँ आएगा, नहीं है, तो इस तरह से हमारा ये टू फैक्टर लेना गलत हो गया। तो अगला टू दो फैक्टर कौन होगा, वो सिक्स और माइनस वन होगा या माइनस सिक्स और वन होगा। अब आपको सोचना है, ये अगर हम लेते हैं तो ये हमारा फैक्टर नहीं होता है, लेकिन ये लेते हैं तो हमारा फैक्टर हो जाता है। हमने आपको बताया है कैसे दो फैक्टर लेने हैं जिसका डिफरेंस वाला है, जिसका डिफरेंस बीच वाला है। इस तरह से बीच के टर्म को हमें स्प्लिट करना है, यानी सिक्स माइनस सिक्स था, सिक्स के हमने दो फैक्टर किए सिक्स और वन, और सिक्स और वन का जो डिफरेंस है वो फाइव आया, प्लस फाइव आना है हमको, लिखने में यही ध्यान रखना है। देखिए अगला स्टेप हम क्या, तो ये स्टेप आपका ये गलत हो गया था, ये आपका सही हुआ था, इसको सीखिएगा। अगले लाइन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस
सीखी। अब हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया और आपको हमेशा सोचना है कि 6x में से -x गया, 5x प्लस में आया। अगर आपका मन है कि हम माइनस यहां लगाएंगे, अगर आपका मन है यहां माइनस लगाएंगे यहां प्लस लगाएंगे तो भी सीख लीजिए, यहां माइनस लगाओगे तो यहां माइनस हो जाएगा जो आपके पास नहीं है और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इस बातों को बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए और जब आप बढ़िया से ध्यान देंगे तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपका गलत नहीं होगा। इसलिए चिन्ह का हमेशा ध्यान रखिए, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे और हम यहाँ माइनस लगाएंगे, इस तरह से 6-1 5 प्लस में आ जाएगा। अब हमारा जो 3 टर्म था अब ये टूट करके 4 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया तो हमारा जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो x प्लस 6 कॉमन किया, x प्लस 6 बचा, अगले में -1 कॉमन किया तो x प्लस, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो -1 रहता है, -1 कॉमन हो गया, 1 रहता हर जगह, 1 मतलब यहाँ भी 1 है, -1 कॉमन कर लिया। अब देखिए दोनों टर्म में x प्लस 6 आ गया, देखिए x प्लस 6 कॉमन कर लिया बचा x -1। इस तरह से इसका दो फैक्टर हुआ x प्लस 6 x माइनस 1। आइए इसी सवाल को थोड़ा और परिवर्तन करते हैं और आप देखिए कि अगला फैक्टर क्या होता है। देखिए मैंने यहां बीच में माइनस, बीच में माइनस, अब बीच में जब माइनस लगाएंगे तो उससे क्या अंतर आएगा, ये बीच में माइनस होता है, ये बीच में माइनस हो जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा तो यहां भी बीच में माइनस हो जाएगा। और x माइनस 3 कॉमन करेंगे और यहां x माइनस 2 बचेगा। इस तरह से इसके आपके दो फैक्टर होते हैं। तो ये आपको समझना है, अगर हम यहां माइनस लगा दें तो इसके फैक्टर क्या होंगे। हो गया देखिए यहां हमने माइनस लगा दिया, अब हमारा ये देखिए इस तरह से चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। अब हमारा देखिए किस तरह से बदलाव हुआ, इसको आपको सीखना है, समझना है। अब यहाँ माइनस 6 हो गया, यहाँ प्लस 1 कॉमन होगा और x माइनस 6 होगा, यहाँ भी x माइनस 6, यहाँ भी x माइनस 6, अब x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा और यहाँ x माइनस 6 हुआ और बचा x प्लस। तो इस तरह से इस सवाल का फैक्टर एक, देखिए चिन्ह बदलने से एक ही सवाल है उसके फैक्टर अलग अलग होते जा रहे हैं, इस बात को आप लगातार समझने का प्रयास करें। आइए सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करने पे कैसे बदलाव होता है उसको देखिए। बीच में हमने 5 हटा दिया, 1 बच गया और यहां भी बीच में हमने 5 हटा दिया, प्लस लगा दिया और बीच में 5 हटा। यहां माइनस कर दिया, वहां प्लस कर दिया, देखिए ध्यान। अब यहां पर हमारी शर्त यह है कि 6 के ऐसे दो खंड करिए, 6 के ऐसे दो खंड करिए देखिए जिसका डिफरेंस बीच वाला टर्म आपके ये 6 के ऐसे दो खंड करिए जिसका डिफरेंस, तो 6 के दो खंड हुए 3 और 2 और आप देखिए 3 और 2, तो अगला स्टेप हमारा होगा x² - 3x + 2x + 6। बीच वाले टर्म को हमने ऐसा तोड़ा कि ये 3 से 4 हो गया और हमारा रिजल्ट देखिए -3x + 2x - 1 बचा। इस चीज को आपको समझना है, -3 + 2 1 तो 1 बचा रहना चाहिए, हमारा रिजल्ट भी प्रभावित ना हो, हमारा सवाल भी फैक्टराइज होता है। आइए इसमें x कॉमन करेंगे, x - 3 और +2 कॉमन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x + 3, अब देखिए आप लिख तो दिया हमने, अब देखिए यहाँ पर यहाँ x - 3 है, यहाँ x + 3 है, अब ये कैसे होगा, यहाँ x - 3 है, यहाँ x + 3 है, ये कैसे होगा। इसका मतलब है इसमें कुछ गड़बड़ है, हम कैसे फैक्टर कर पाए। ये बात भी आपको समझनी है कि क्या फैक्टराइज हो पाएगा, ये बात भी आपको समझनी है कि क्या फैक्टराइज हो जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि इन दोनों का गुणनफल 6 था, प्लस में आया था, जब प्लस आएगा तो हम कैसे डिफरेंस का मेथड लगा सकते हैं, इसलिए जब गुणनफल प्लस आ रहा है तो हम डिफरेंस का मेथड नहीं लगा सकते,
और डिफरेंस का प्रिफर नहीं लगा सकते, तो अगर आप यहाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि x माइनस थ्री है, ये x प्लस थ्री है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन इसमें नहीं होगा। ये बात हमें आपको समझाना जरूरी है। हमारे बच्चे कुछ भी लिखते चले जाते हैं, बहुत गलती करते हैं, और ये फैक्टराइजेशन की गलती ये बारहवीं और उसके आगे तक बहुत परेशान करती है, समझ में नहीं आता है। इसलिए बच्चों यहीं पर बढ़िया से समझ लीजिए इसको। आइए यहाँ पर 6 और 1 का मल्टीप्लाई देखिए, 6 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस में आया, माइनस 6 आया तो यानी माइनस में है, यानी 6 के हम ऐसे दो कट कर सकते हैं जिनका डिफरेंस बीच वाला है, यहाँ कर सकते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। और अब देखिए अगला स्टेप, x अपने कॉमन किया, x प्लस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन किया, x प्लस 3 बचा, और ये देखिए एक फैक्टर हो गया x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2। तो इस तरह से आप आइए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, और बदलाव करके देखिए कि वही सवाल कैसे स्प्लिट हो जाता है। x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस सिक्स, वही क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब हम देखिए यहाँ माइनस आ गया, अब हम डिफरेंस वाला लगा सकते हैं फार्मूला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब इस चीज को आप समझिए, ये वहाँ प्लस 3x माइनस 2x है, यहाँ माइनस 3x प्लस 2x है, इन दोनों का कंपेयर फैक्टराइजेशन बंद करने का प्रयास करिए, और यहाँ किस तरह से बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, इस बात को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखा मैंने कैसे बताया कि ये गलत है ये सही है, और इस तरह से इसी को देखिए थोड़ा संशोधन करके मैंने बताया, x कॉमन किया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन किया x माइनस 3, दोनों टर्म में x माइनस 3 हो गया और x माइनस 3 कॉमन हो गया और x प्लस 2 बचा, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया, इसके पहले फैक्टराइज नहीं हो रहा था। इसको आप समझने का प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए, इस तरह से आप स्प्लिटिंग बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं और देखिए कैसे हम लगाते हैं। आइए एक दो सवाल आपको और ले चलते हैं, लेके दिखाते हैं। देखिए मैंने ये सवाल लिखे 2x² - x + 6 और 2x² - x - 6। देखिए यहाँ पर 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 आया, 12 के ऐसे दो खंड करेंगे जिसका अंतर बीच में बना है, लेकिन अंतर क्यों आएगा ये देखिए आप, यहाँ प्लस है, हम अंतर वाला नहीं लगा सकते हैं फार्मूला, ये मन में तो आया आपके, लेकिन आपको ये भी सोचना है यहाँ प्लस आया है और ये अंतर का फार्मूला नहीं लग सकता है, बीच वाला टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ देखिए 6 × 12 माइनस है, इसलिए बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा और 12 के दो खंड होंगे 4 और 3, तो इस तरह से 2x² - 4x - 3x - 6। ये देखिए -4x + 3x, क्योंकि माइनस बनाना है इसलिए +3x, और अब हम इस तरह से बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिए, बीच में क्या था 1 था, 1 को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने की शर्त क्या थी, 2 और 6 का मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 12 के दो खंड किए 4 × 3 और इस 4 × 3 का डिफरेंस हमारा बीच वाला टर्म, ये हमारी शर्त है। इसी चीज को ध्यान रखे, टेक्निक है, अगर आप ये ध्यान रखे रहेंगे तो इससे आपका फैक्टराइजेशन गलत नहीं होगा। आगे आइए कॉमन करिए, देखिए हम 2 कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं तो x माइनस 2 बचता है, और प्लस 3 कॉमन करते हैं x माइनस 2 बचता है, और अब x माइनस 2 कॉमन करते हैं तो 2x + 3 बचता है। इसी सवाल में हम क्या संशोधन करते हैं, 2 को बन जाएगा, ध्यान से देखिए अगर हम इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, यही सवाल फिर संशोधित हो गया और इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा तो अगला स्टेप है 2x² + 4x - 3x - 6। इस बात को समझिए,
este chiar pasta în piele. Am ea cu ieți camăgua, ieți plăștua ea, ea mai ne strică camăgua, ieți plăștua ea, dar bine, hai ieți plăștua, hai ieți plăștua ea, Domnul de hai ieți plăștua camăgua. Or, cu ieți mai ne strică. Or, istăra se, e cu ieți mai ne strică, e pectrologia, dar nu pectrologia, o e bida, zic tu de-a cu el, cu el că am din două cântie, cu el va aia, cu el că am din două cântie, ori în lucru. और थ्री और फोर थ्री का डिफरेंस बीच में है तो यही बात आपको समझना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और सवाल को लगाना है यही बार बार ध्यान दीजिएगा चिन्ह का ध्यान दीजिएगा अगर जो है लास्ट टर्म और फर्स्ट के कोएफिशिएंट पे गुणनफल माइनस में आता है तो माइनस में जब आ जाए तो देखिए कि हमारा बीच वाला स्प्लिटिंग कैसे होगा और प्लस में आता है बीच वाला स्प्लिटिंग कैसे होगा और इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो तो आज यहीं तक रहने दीजिए सवाल खोजिए लगाइए धन्यवाद।